दोस्तों अक्सर आप जब एक्सेल पर काम करते हैं और जब किसी दो टेबल के डेटा को मैच कराना होता है तब आप कौन से फंक्शन को यूज करते हैं? आपका जवाब होगा VLOOKUP या HLOOKUP, क्योंकि यही दो फंक्शन हमारे एक्सेल में हैं जिनका कि सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी डेटा को लुकअप करने के लिए। लेकिन अगर बात होती है रिवर्स लुकअप यानी राइट टू लेफ्ट लुकअप की, तब आपका दिमाग इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि रिवर्स लुकअप करने के लिए एक्सेल में सबसे ज्यादा इन्हीं फंक्शंस का यूज होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एच लुकअप फंक्शन का भी यूज करके आप रिवर्स लुकअप कर सकते हैं? नहीं ना? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा एच लुकअप के, जिसका यूज करने के बाद रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूँ एक्सेल यूनिवर्स में, और आज हम सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन का यूज करके रिवर्स लुकअप यानी राइट टू लेफ्ट लुकअप करना। तो फटाफट से मूव होते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन के इस नए ट्रिक्स को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे एक्सेल वर्कशीट में दो टेबल हैं। एक टेबल में हमें डेटा चाहिए और ये डेटा हमें लाना है इस पहले वाले टेबल से, और इसमें जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मुझे डेटा सिंबल कोड से मैच करवाना है और हमें आउटपुट रिजल्ट में पार्टी का नेम चाहिए, जो कि यहाँ पहले टेबल में पार्टी का नेम सिंबल कोड से पहले है। यानी यहाँ पे डेटा को राइट से लेफ्ट लुकअप करना पड़ेगा, रिवर्स लुकअप करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए एच लुकअप फंक्शन को ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि आप जब एच लुकअप या वी लुकअप किसी भी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे तो आपका डेटा यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे सिंबल कोड है, यहाँ पार्टी नेम है, जब हम एच लुकअप की बात कर रहे हैं तो हम डेटा के हेडर की बात करेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। ये वाला वर्ड आपके इस डेटाबेस से मैच होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंबल कोड जो यहाँ लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ दोनों सेम है, वैसे पार्टी नेम भी हमारा दोनों जगह मैच कर रहा है। तो इन दो बातों का ध्यान जरूर रखें। अब आइए लगाते हैं एच लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप। अब यहाँ हमें देना है लुकअप वैल्यू, तो हमें इस पार्टी नेम को लेकर आना है। तो हम लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब चाहिए हमें टेबल अरे, तो ये पार्टी नेम हमें कहाँ मिलेगा? तो इस टेबल में मिलेगा, इसे हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब हमें चाहिए रो इंडेक्स नंबर, तो हमें इस सिंबल कोड से पार्टी के नेम को लुकअप करवाना है, मतलब इस सिंबल कोड पे कौन सा पार्टी नेम आएगा उस पार्टी नेम को यहाँ पे लाना है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप जब देखेंगे ये वाला जो पहला वाला सिंबल कोड है वो इस टेबल अरे में नंबर 2 पर है, ऊपर से हमारा हेडर 1 हो जाएगा पोजीशन, तो दूसरा वाला जो कोड है वही ये वाला कोड है और वो नंबर 2 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम दे देंगे नंबर 2, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, कॉमा 0 दे देंगे यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे हम नीचे ड्रैग करते हैं, सारे में सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन में रो इंडेक्स नंबर 2 दिया था, जो कि इन सारे फंक्शंस के लिए नंबर 2 तो नहीं हो सकता है, इसलिए आपने जो पहला लुकअप किया उसका रिजल्ट सही आ गया, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन जब दूसरे पे आया तो इसकी रो इंडेक्स नंबर हमें चाहिए, और ये रो इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो 18116, इसमें देख लीजिए ये 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर 4 आएगा, तो इसका आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन इसमें एक परेशानी है कि हमें रो इंडेक्स नंबर मैन्युअली इनपुट नहीं करना पड़े, इसके लिए हम मैच फंक्शन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाहर में एच वाले कॉलम में लगाते हैं इक्वल टू मैच, और मैच हमें क्या कराना है? ये सिंबल कोड कराना है। कहाँ से कराना है? तो इस सी वाले कॉलम में हमारा सिंबल कोड पड़ा है, और हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, तो 0 दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और जब इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपको इन सारे सिंबल कोड की पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस एच लुकअप फंक्शन को एडिट करेंगे और 2 की जगह हम H2 लिख देंगे, और फिर इसे नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। अब आप देखिएगा इन सारे का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक और परेशानी कि यहाँ हमें एक सपोर्टिंग कॉलम ऐड करना पड़ रहा है। अगर जरूरत ना हो तो आप सपोर्टिंग कॉलम यूज मत करिए,
यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताने के लिए इसका यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस फंक्शन को एडिट करेंगे, इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और इस फंक्शन को एच लुकअप फंक्शन को एडिट करेंगे और एच टू में हमने जहाँ ये फंक्शन कॉपी किया था एच टू से वहां पे इस फंक्शन को पेस्ट कर देंगे। अब हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देंगे और इसे नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ एच लुकअप फंक्शन और मैच को यूज करके हमने रिवर्स लुकअप कर लिया है, मतलब सिंबल कोड से हमने इसके पार्टी नेम को यहाँ पे लुकअप करा लिया है। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही आसान चीज है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे जरूर ही सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की कि एच लुकअप को नेम मैनेजर के साथ यूज करें तो हम इस डेटाबेस को और डायनेमिकली लुकअप कर सकते हैं। इससे हम कॉपी करके और यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग चेंज करें उसके हिसाब से हमारा डेटा लुकअप होना चाहिए। इसके लिए हम इस फंक्शन में यूज करेंगे तीन फंक्शन, एच लुकअप, मैच और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस डेटाबेस को एक नेम दे देते हैं। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके और यहाँ फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पार्टी नेम जो आया है इसको हम कर देते हैं माई डेटाबेस और ओके कर देंगे और ये हमारा एक रेंज क्रिएट हो गया है। जब भी इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ नेम बॉक्स में माई डेटाबेस दिखाएगा। अब हमें इन तीनों कॉलम को भी एक नेम देना है जो यहाँ पे ये हेडर है इसी के नेम से। तो सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और डिफाइन नेम पर क्लिक कर देंगे। एक एक करके हम सारे को एक नेम दे देंगे ऐसे। अब आप देखेंगे यहाँ हमारे पास चार नेम क्रिएट हो गए हैं। इस पूरे डेटाबेस का एक अलग नेम है, बाकी इनके तीनों कॉलम का एक अलग नेम है। अब हम इन्हीं नेम को यहाँ पे यूज करेंगे, तो स्टेप बाई स्टेप देखिए कैसे यूज करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप, यहाँ लुकअप वैल्यू में हमें इस हेडर का नेम देना है कॉमा। अब यहाँ पे टेबल अरे देना है, तो टेबल अरे हमारा ये डेटाबेस हो जाएगा जिसका हमने एक नेम दिया था माई डेटाबेस, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए अपने आप ये सिलेक्ट हो गया रेंज। अब यहाँ पे देना है रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर फिलहाल हम 2 दे रहे हैं कॉमा 0। अब इसे रो इंडेक्स नंबर को और डायनेमिक बनाने के लिए हम मैच फंक्शन में इसे कैसे यूज करते हैं उसके स्टेप्स को देखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू मैच, मैच हमें किससे कराना है तो इस सिबल कोड या इस कॉलम में जो भी डेटा होगा उसे मैच कराना है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा लुकअप अरे, मतलब इस सिबल कोड को मैच कहाँ कराना है तो इस सी वाले कॉलम में कराना है। लेकिन हम डायरेक्टली इस सिबल कोड को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। और इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, तो यहां पे जो हम नेम लिखेंगे ईआरपी कस्टमर कोड जो लिखा हुआ है यहां पे जो भी हमारा नेम आएगा उस रेंज में हमें यहां दिए गए आइटम को मैच कराना है, तो वहां से उसकी पोजीशन लेकर आनी है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करके इसे फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा लुकअप एरे का काम खत्म। अब हमें देना है मैच टाइप, तो यहाँ पे दे देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि यहाँ पे ईआरपी कस्टमर कोड में इस सिबल कोड को ढूंढ रहा है। अगर मैं इस सिबल कोड को कॉपी करूं यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं, देखिएगा यहाँ पे नंबर 2 आ गया। अगर हम इसे नीचे ड्रैग कर दें तो इन सारे का रिजल्ट हमें दे देगा। अब मान लीजिए ईआरपी कस्टमर कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से हम रैंडमली कुछ ईआरपी कोड्स को उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए इन सारे का पोजीशन हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब सिंपल, जब हमें इस हेडिंग से इनकी पोजीशन मिल जाती है इस ईआरपी कोड के लिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे हमने नंबर 2 दिया है वहां पे इस फंक्शन को हम कॉपी करके और इसमें नंबर 2 की जगह पेस्ट कर देंगे और इसकी जरूरत हमें अब नहीं है और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप देखिएगा क्या कमाल होता है, अगर हम यहां से सिंबल कोड को कॉपी करके यहां पे पेस्ट करते हैं, यहां पे एरर आ गया क्योंकि यहां पे ये सिंबल कोड में ढूंढ रहा है इस नंबर को जो कि है ही नहीं। तो यहां से इसको उठाइए किसी भी सिंबल कोड को और यहां पे ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, आ गया।
अगर आपको यहाँ से ERP कस्टमर कोड चाहिए तो ERP कस्टमर कोड सिर्फ आपको हेडर के नेम को चेंज करना है और आपको इस सिंबल कोड के अगेंस्ट में ERP कस्टमर कोड मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए आपको पार्टी नेम से सिंबल कोड लानी है तो पार्टी नेम को यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि ये पार्टी नेम में इस सिंबल कोड को ढूंढ रहा है जो कि है ही नहीं। यहाँ पे तो पार्टी का नेम है तो यहाँ से कोई भी पार्टी नेम कॉपी करिए और यहाँ उठा के कॉपी करिए और यहाँ से उठा के लाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे दो नेम और ले लेते हैं, ये लीजिए। तो इस तरह से आप ERP कस्टमर कोड भी ला सकते हैं। सिंबल कोड चाहिए, सिंबल कोड उठा के डाल दीजिए यहाँ पे। आप जो भी हेडर चेंज करेंगे उसके हिसाब से आपका डेटा ऑटोमेटिकली लुकअप होता रहेगा। ये एच लुकअप फंक्शन को नेम मैनेजर के साथ यूज करने पे आप इस तरह के लुकअप कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ऐसे ही एक्सेल के टिप्स और ट्रिक्स सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेल यूनिवर्स।